अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, द डिबेट विद ज़ैद हामिद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम। मशरक वस्ती इस वक्त होलनाक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। मुसलमान बाहम दस्तों गिरबा हैं। इराक अमली तौर पर तीन हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसराइल की गजा पर बर्बरियत के बावजूद मुस्लिम उम्मा खामोश है। मशरक वस्ती में होने का जा रहा है और इस तबाही की वजूहत क्या हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ैद हामिद साहब ने। ज़ैद हामिद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मशरक वस्ती में इस वक्त हो क्या कह रहा है। देखिए अजीम, हम आपको थोड़ा सा पहले तारीख में पीछे लेके जाएंगे। ये जो कुछ आज हो रहा है तकरीबन 100 साल पहले भी हो चुका है। 1918 के आसपास जब पहली जंग अजीम खत्म हुई और खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे किए जा रहे थे, उस वक्त एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा था जो अब आपको नजर आ रहा है। हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारे बुजुर्गों ने जो तबाहियां और हलाकतें और मुसलमान दुनिया की तबाही देखी थी, आज हमें अपनी आंखों से वही देखनी पड़ेगी। उस वक्त बुजुर्गों ने दुआएं की थी अल्लाह के आगे, ए खासा ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी, अजब वक्त पड़ा। खिलाफत उस्मानिया तोड़ी जा चुकी थी, मुसलमान दुनिया को तकसीम कर ये मुल्क निकाले गए थे जो आज आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये मुल्क नहीं थे, ये खिलाफत उस्मानिया के सूबे हुआ करते थे, विलायतें थी। बाद में इनको मुल्क बनाया गया पहली जंग अजीम के बाद, कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने लॉर्ड रॉसचाइल्ड को, उस वक्त का जो यहूदी जायनिस्ट था, उसको खत लिखा बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद कि अब ब्रिटेन के ताजे बरतानिया ने यह फैसला किया है कि इसराइल की रियासत का कयाम वजूद में लाया जाएगा। पहली जंग अजीम के बाद, याद रखिएगा, यह खत लिखा गया था। उस वक्त इसराइल की रियासत का कयाम कम अज कम 30 साल दूर था, लेकिन यह खत लिख के बता दिया गया कि आइंदा आने वाले वक्तों में अब ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसीज क्या होंगी। और इन्होंने नक्शे को, मुसलमान दुनिया के नक्शे को तकसीम किया, मुख्तलिफ ममालिक निकाले। और इस काम को करने के लिए जो हिकमत अमली उन्होंने इस्तेमाल की वो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस वक्त के अरब कबाइल को इस्तेमाल किया, जिस तरह आज मिडल ईस्ट में आपको कहीं दाइश नजर आती है, कहीं आईएसआईएस नजर आती है, कहीं फ्री सीरियन आर्मी नजर आ रही है, कहीं टीटीपी नजर आ रही है, उस तरह के दहशतगर्द ग्रोह और दस्ते उन्होंने पहली जंग अजीम के बाद तैयार किए थे। और उसके लिए जो हिजाज के अरब कबाइल थे, जो नजद के अरब कबाइल थे, जो हिजाज शरीफ मक्का था, जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने बड़ा दर्दनाक शेर उस वक्त कहा था कि शरीफ मक्का सैयद थे, वो सैयद कहलाते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से साजबाज करके बगावत बर्पा की, तुर्कों को शहीद करवाया, खाने काबा के पर्दों में तुर्क मुसलमानों को शहीद किया गया, और सैकड़ों हजारों तुर्क सिपाही जो हिजाज के इलाके में थे इन बेचारों को घेर घेर के शहीद किया। रेलवे लाइन जो कि ट्रांस हिजाज रेलवे जो मदीने से इस्तंबोल तक जाती थी, उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से तबाह करवाया गया। जब वो लाइन तबाह हो गई, तुर्कों के रस्ते टूट गए, ये तुर्क गैरिजन घेरे में आ गया। जो तुर्क कमांडर था मदीने का, उसको सईदी रसूल्ला ने हुक्म दिया कि तुमने सरेंडर नहीं करना। ये ख्वाब में बाकायदा पूरी तुर्क तारीख का हिस्सा है ये। और इस बात के बावजूद कि तुर्क एम्पायर को, तुर्की खिलाफत को शिकस्त हो गई थी, उसके बावजूद भी कई महीने तक ये तुर्क सिपाहसालार मदीने के दिफा में लड़ता रहा, और आखिर में तुर्क सिपाही इतने थक गए कि उन्होंने अपने सिपाहसालार को गिरफ्तार करके फिर अंग्रेजों के हवाले कर दिया और मामला खत्म हो गया। तो बात यह है कि उस वक्त के जो अरब कबाइल थे, जो शरीफ हुसैन जो मक्का का उस वक्त गवर्नर था अरब, उसने मुसलमानों की आबरू को फरोख्त कर दिया। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने यह तकलीफ दे शेर कहा था, और यह तारीख का हिस्सा है, कि हाशमी बेच रहा है आबरू ए दीन मुस्तफा, खाक व खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। और नतीजा यह हुआ कि जो शरीफ मक्का था, इसको इनाम के तौर पर इसके एक बेटे को जॉर्डन की हुकूमत दी गई और एक बेटे को इराक की हुकूमत दी गई। ये उर्दुन का जो शाह हुसैन उर्दुन में जो हुकूमत करता है और अब अब्दुल्ला हुकूमत करता है, ये शरीफ मक्का का पोता है, और उसी गद्दारियों के नतीजे में इनको ये हुकूमत अता की गई थी। और नजद का जो खानदान था आले सऊद, इसने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर जो बगावत बरपा की, तुर्कों को खत्म किया, खिलाफत उस्मानिया की धज्जियां उड़ाई, उसके इनाम के तौर पर इनको सऊदी अरब की, हिजाज की सारी हुकूमत इस बड़े कबीले को दी गई थी। यह तारीख का ऐसा हिस्सा है जिसको आप डिनाई कर नहीं सकते, यह हकीकत है। अजली अब्दी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार देख लें, जनरल एलनबाई का किरदार देखें, आज भी जॉर्डन में एलनबाई ब्रिज है, एक पुल बना हुआ है उर्दुन और इसराइल के दरमियान। तो अनफॉर्चुनेटली, और उस पॉलिसी जो बाद में ब्रिटेन ने बताई वो ये थी कि हमारी पॉलिसी ये थी कि हम मुसलमानों में फसाद बर्पा करवाएंगे मुसलमानों के जरिए, ताकि दुनिया ये ना कहे कि ईसाई ताकतों ने, गैर मुल्की ताकतों ने तबाही मचा दी। दमिश्क को अगर हम फॉल कराएंगे, दमिश्क पर कब्जा होगा तो वो अरब दस्तों के जरिए होगा, बगदाद पर कब्जा होगा तो अरब दस्तों के जरिए होगा। तो इन्हीं अरब कबाइल को ले जाकर शाह, ये जो आपका मक्का शरीफ हुसैन मक्का का जो था, उसके जो औलादे थी, बेटे थे, उसके दस्ते थे, अरब गुरीले थे, इनको ले जाकर शाम फतह किया गया, इनको ले जाके। तो बाद में उसके बाद सारा कब्जा, कोई ब्रिटिश मैंडेट था, कोई फ्रेंच मैंडेट था, यानी असल में नीचे तबाही मचाई अरब दस्तों ने,
तुर्कों को शहीद करवाया खिलाफत उस्मानिया की तबाही की, लेकिन कब्जा बाद में कोऑर्डिनेशन सारा हुकूमत हुक्मरानी जो बनी वो ब्रिटिश और फ्रेंच। खिलाफत उस्मानिया खत्म कराई और आज खिलाफत इस्लामिया जो कायम हो रही है दाइश के जरिए वो कौन करवा रहा है? हम यही बात आपको समझा रहे हैं, जब पहली खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया, जब खिलाफत उस्मानिया बिल्कुल खत्म की गई, उस वक्त अंग्रेजों ने यह बात कही कि आज हमने मुसलमानों की रूह को खत्म कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी कि हमने जिस तरह खिलाफत तबाह की है अब मुसलमान दोबारा कभी नहीं उठ सकते, हम किसी सूरत में खिलाफत को कायम नहीं होने देंगे, बल्कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो अब हम कायम कर रहे हैं हम इतने फासले पैदा कर देंगे कि मुसलमान मुल्क आपस में राबते भी ना कर सकें। और आज देखिए आप कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान ना तुर्की के मुसलमान से बात कर सकते हैं, ना ईरान के मुसलमान से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कोई आपको ऐसा मुसलमान मिलता है जो फारसी, तुर्की और अरबी जबानें जानता हो, इतने वीजे और पासपोर्ट का फर्क डाल के इतने फासले पैदा कर दिए कि तुर्की में रहने वाले मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पाकिस्तान के मुसलमान देखे ही नहीं है, यही हाल बाकी दुनिया के मुसलमानों का है। तो यह सब कुछ पहली जंग अजीम के बाद हुआ था, इससे पहले मुसलमानों में वीजे पासपोर्ट नहीं होते थे, इससे पहले और इन्होंने यह कसम खाई थी उस वक्त कि हम दोबारा खिलाफत को कायम नहीं होने देंगे। तो आज जो कुछ मशरक़ वस्ता में हो रहा है इस बात को दोबारा 100 साल के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली जंग अजीम में इन्होंने इसराइल के कयाम का खत लिखा था, लॉर्ड बेलफोर, बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद यह इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड को, आज 100 साल के बाद इसराइल को अब फैलाया जा रहा है। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल का कयाम वजूद में आया, पहली के बाद खत लिखा, दूसरी के बाद कयाम आया, 48 में इसराइल बनाया, अब इसराइल को ये फैला रहे हैं। और एक सोचने की बात है, आप एक नक्शा उठाइए जिसको पूरे नेट पे मिलता है, इसको कहते हैं ग्रेटर इसराइल मैप, एक इसराइल का नक्शा है जो एक्चुअल इसराइल ये बनाना चाहते हैं कि बगदाद के बाहर से वो लकीर खींचती है, बगदाद से लकीर लेते हैं, कुर्दिस्तान के साइड से होते हुए, तुर्की के जनूब से होते हुए, पूरा इसराइल, लेबनान, जॉर्डन उसके अंदर, और फिर आखिर में ये मदीने के पास आते हैं। ये पूरा एक बड़ा सा एक सांप बनता है, इजदहा बनता है जो पूरे इस मुसलमान खित्ते को अपने कब्जे में लेता है। इस पूरे खित्ते में आज अगर आप नोट करेंगे तो ये तबाही और ये जंग जो बरपा है इसी खित्ते में बरपा है, और तमाम मुसलमान मुल्कों को तबाह करने के लिए ये उसी तरह के जाहिरी मुसलमान दस्ते इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने अरब कबाइल को इस्तेमाल किया था खिलाफत उस्मानिया को तबाह करने के लिए। स्ट्रैटेजी वही है, पॉलिसी वही है जो, और ये मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल कि ये इस नक्शे में जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वहां पर एक इस्लामी खिलाफत कायम हो जाए और इसराइल खुश हो, अमेरिका खुश खुशियां मना रहा हो और ब्रिटेन ये कह रहा हो कि हम इसकी ताइद और हिमायत करेंगे। लेकिन ज़ैद अहमद साहब, जो अबू बकर बगदादी ने खिलाफत का ऐलान किया है उस पर तो अमेरिकन, ब्रिटेन और इसराइल भी अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। जी आपको हकीकत बताते हैं ना कि देखिए डिसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, झूठ बोलना मकारी तो और चीज है। इराक में भी उन्होंने झूठ बोला था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, किधर निकले? 9/11 ओसामा बिन लादेन ने किया, कोई सबूत नहीं दिया। तो बात यह है, असल हकीकत आपको हम बताते हैं कि क्या हो रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है कि इन्होंने अब मुसलमानों की खिलाफत को भी हाईजैक कर लिया, हमारे दीन को हाईजैक कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे, ये सिर्फ ग्रेटर इसराइल नहीं बना रहे, सिर्फ हमारी औरतों, बहनों, बेटियों को बेहरमत नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी कुरान और लाइब्रेरियां नहीं जला रहे, सिर्फ अंबिया के मजारात तबाह नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे औलिया के मकामात को उखेड़ नहीं रहे, ये हमारे दीन को ही हाईजैक कर रहे हैं एक जाली खिलाफत बनाकर जो खवारिज के हाथों बनी है, जिसके पीछे CIA रॉ और मूसाद है। इसलिए समझना जरूरी है कि मशरक़ वस्ता में क्या हो रहा है। जब उस्मानी खिलाफत तबाह हो रही थी तो उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यहां से पूरी पूरी इमदाद भेजी, अल्लामा इकबाल उसके ऊपर रोते रहे कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, औरों की अयारी भी देख अपनों की सादगी भी देख। हमेशा याद रखिए यही होगा, अपनों की सादगी होगी औरों की अयारी होगी, कभी ये चाक करेंगे तुर्क नादा खिलाफत की कबा, और कभी ये एक नापाक पलीत आदमी लाकर खिलाफत को कायम करने का दावा करेंगे। हकीकत ये है कि दोनों तरफ अपनों की सादगी भी होगी औरों की अय्यारी भी होगी। ज्यादा में सब ये अरबों की सादगी है या नादानी है? देखिए हम यही बात कर रहे हैं ना, इकबाल ने जो बात कही थी कि अपनों की सादगी भी देख, अपनी हिमाकत जहालत अपने को देख और औरों की अय्यारी भी देख, दोनों मामलात हैं। जैसे हम बात अर्ज करें कि इस वक्त हो क्या रहा है, जो दाइश के नाम से इन्होंने खिलाफत कायम की है इराक और शाम में, हाल यह है कि इस सो कॉल्ड खिलाफत को इसराइली आर्मी सपोर्ट कर रही है। इसराइल ने फील्ड हॉस्पिटल बनाए हुए हैं शाम की सरहद पे, जहां बाकायदा इसराइली फौजें अंदर दाखिल होकर दाइश के साथ मिलकर मुसलमान दुनिया में तबाही मचा रही हैं। इसराइल को इससे ज्यादा शानदार मौका कभी मिल नहीं सकता था। 1948 में इन्होंने जब इसराइल का कयाम आया तो पूरे फलस्तीन में फलस्तीनी गांव थे, और आपको याद एक लफ्ज तारीखी फलस्तीनी इस्तेमाल करते हैं, नकबा, नकबा डे कहते हैं, तबाही का दिन। इसराइलियों ने गांव के गांव जलाए, दीर यासीन का गांव, सैकड़ों हजारों गांव को जलाया, जगह खाली कराई, और वो इसराइली के हगाना के और इनके दस्ते हुआ करते दहशतगर्द ग्रोहों के जाके जो इसराइली गांव को तबाह कर, फलस्तीनी गांव को तबाह कर रहे थे ताकि जगह खाली हो, इसराइल का कयाम वजूद में आए।
ये इन्हें करना पड़ता है। जगह खाली कराने के लिए इनको तबाही मचानी पड़ती है, इस पूरे इलाके में जगह खाली करते हैं, फिर जाके अपनी सेटलमेंट्स और अपना ग्रेटर इसराइल कायम करते हैं। ये जो जंग आप इस वक्त देख रहे हैं उसको इसराइली बराहरास्त, आप डॉक्यूमेंट नेट पे अवेलेबल हैं, तस्वीरें अवेलेबल हैं, इसराइल ड्रामा ये कर रहा है कि हमने ये हॉस्पिटल बनाए हैं शाम के महाजरीन के लिए, और जो जख्मी इसमें आ रहे हैं सब जख्मियों के चेहरे पे ये तस्वीर ये कवर कर देते हैं कि तस्वीर चेहरा नजर ना आए। ये क्या मतलब है? अगर शाम के महाजरीन हैं, बुढ़े औरतें बच्चे, तो तुम चेहरे क्यों छुपा रहे हो? वो इसराइली फौजी हैं सारे, और सबको मालूम है कि इसराइल ने फील्ड हॉस्पिटल किस लिए बनाया हुआ है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ये कह रहा है कि हम 100,000 दहशतगर्द तैयार करके शाम और इराक में भेजेंगे। आप बात सुनिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह की पना, अगर वहां पे दाइश और इस्लामी खिलाफत कायम हो चुकी है तो, और तुमको खुद पता है कि ये सारे दहशतगर्द हैं, तो तुम मजीद 100,000 दस्ते बीच में किस लिए भेज रहे हो? इनसे लड़ने के लिए भेज रहे हो या इनकी सफों में भेज रहे हो ताकि ये बड़े ताकतवर ग्रोह बन जाए? इंग्लैंड खुल के एक बैनुल अक्वामी दहशतगर्द के तौर पर, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट स्टेट के तौर पर खुल के बोल रहा है कि हम 100,000 दहशतगर्द तैयार करके इराक में भेजेंगे। ऑलरेडी 10,000 से 15,000 ब्रिटेन में जो मुसलमान हैं उनको बेवकूफ बना बना के, ये दहशतगर्द बना बना के पूरे मिडल ईस्ट में भेज रहे हैं दहशतगर्दी के लिए। बरतानिया जो दस्ते बनाकर भेज रहा है, क्या वो दाइश को सपोर्ट करेंगे? जी यही हो रहा है। ये आप वहां जाके क्या डिसाइड करते हैं? इस वक्त दाइश के जितने वीडियोज निकल रहे हैं, दाइश जो प्रोपेगेंडा वीडियोज निकाल रहा है उसमें सारे वो लोग हैं जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लड़के हैं, और इनको वहां रिक्रूटमेंट हो रही है ब्रिटिश MI6 के बिल्कुल नाक के नीचे। अल मुहाजिरून के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उमर बकरी जिसका सरबरा है, जो MI6 का एजेंट है, और अंजुम चौधरी एक और शख्स है, ये लोग वहां पर जानपुर खुल्लम खुल्ला इंग्लैंड में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आप बिल्कुल खुल के वो मगरिब को गालियां दे रहे हैं, वो खुल के वो बात कर रहे हैं कि तबाही मचा देनी चाहिए, अंग्रेजों के गले काट देने चाहिए, इस्लाम दहशतगर्द मजहब है, आओ इस्लाम के खिलाफ, और जनाब फिरकावरान शियों के खिलाफ जंग करते हैं, और जनाब बशारुल असद के खिलाफ जंग करें, और इस तरह इस्लाम का एक दहशतनाक तस्वुर पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। कोई उनको वहां रोक नहीं रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई उनको सैकड़ों के हिसाब से वो मस्जिदों के बाहर पैम्फलेट तकसीम करते हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है, बंदे भेजे जा रहे हैं। इंग्लैंड की सोसाइटी को, इंग्लैंड को फायदा क्या है? लेकिन जैसे ये स्टेट रिक्रूटमेंट तो नहीं है, स्टेट परमिटेड रिक्रूटमेंट है, इजाजत दे रही है ना इंग्लैंड को, पागल तो नहीं? इनको नजर नहीं आ रहा कि खुल्लम खुल्ला इतनी हो रही है कि खुद अमेरिका को शिकायत करनी पड़े इंग्लैंड से कि आप क्या कर रहे हैं, मारा जाएगा सारा खेल हमारा, इतना खुल्लम खुल्ला तो ना करें ना, थोड़ा खुफिया करें अगर करना है आपको तो। बाकायदा CIA ने शिकायत की है MI6 के साथ कि तुम मजाक क्या कर रहे हो। उसमें फायदा उनको यह हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे लोग जिनके बारे में इनका ख्याल था कि मिलिटेंट जज्बात रखते हैं, हमदर्दियां रखते हैं मिलिटेंट्स के साथ, उनको वन वे टिकट देकर ये शाम भेज रहे हैं। शाम में दहशतगर्दी भी होगी, इनके अपने माशरे खाली भी होंगे, वो सारे दहशतगर्दी लड़के जो है इनको भेज देंगे ये मुसलमान इलाकों में, यहां शिया सुन्नी जंग भी कराएंगे, ग्रेटर इसराइल का मकसद भी पूरा होगा, दुनिया में ये तस्वुर भी होगा कि मुसलमान लड़के दहशतगर्द हैं जो वीडियो बना बना के निकाल रहे हैं कि हम इंग्लैंड में रहते थे, यहां मैनचेस्टर में रहते थे, बर्मिंगम में रहते थे, अब हम दाइश के साथ लड़ रहे हैं जाके। तो ये पूरा बड़ा गेम प्लान है। फिर अमेरिका को देखिए क्या कर रहा है इस वक्त। अगर अमेरिका को कोई खतरा है दाइश से तो दाइश के लोग तो ब्रांड न्यू 4x4 SUVs के अंदर पूरे डेजर्ट्स के अंदर 400 गाड़ियों का काफला बना के घूम रहे हैं। कोई एयर स्ट्राइक, कोई ड्रोन स्ट्राइक देखी आपने दाइश को कतल खत्म करने के लिए? वो तो मैं स्कड मिसाइल लेके तमाशे लगाए हुए हैं, एक मिनट के अंदर कोई हेलीकॉप्टर या बॉम्बर जाकर इनको खत्म कर दे। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, $500 मिलियन की इमदाद दी जा रही है सीरिया के मॉडरेट रेजिस्टेंस को। मॉडरेट रेजिस्टेंस क्या होती है? सीरिया के अंदर कौन सा गले काटने वाला या इंसान का कलेजा चबाने वाले या कब्रें उखेड़ने वाले, इसमें मॉडरेट कौन है जरा ये बता दे। बात ये है कि अमेरिकन जो डेफिनेशन अपनी दे रहे हैं, और ये जस्टिफाई सिर्फ मॉडरेट का लफ्ज इसलिए डाला है ताकि दुनिया को चुप कराए कि नहीं जी हम दहशतगर्दों को नहीं दे रहे, हम मॉडरेट दहशतगर्दों को दे रहे हैं। तो शायद हमें सब जो यूरेनियम दाइश के हाथ अब लगी है उस पर पूरी दुनिया अपना कंसर्न भी शो कर रही है, यूनाइटेड नेशन ने भी अपना कंसर्न शो किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? दाइश क्या वाकई इसका इस्तेमाल कर पाएगी? देखिए बात यह है कि इन्होंने दाइश के हाथ हर चीज लगवा दी है। दाइश के हाथ केमिकल वेपन्स भी लग गए हैं, दाइश के हाथ लॉन्ग रेंज स्कड मिसाइल्स भी आ गए हैं, और दाइश के पास यूरेनियम भी आ गया है। यानी दूसरे लफ्जों में अब एक डर्टी बॉम्ब वो आराम से लॉन्च कर सकते हैं। डर्टी बॉम्ब का मतलब है कि जरूरी नहीं कि बॉम्ब हो, सिर्फ यूरेनियम डाल के भी लॉन्च कर दें तो वो इलाका रेडियो एक्टिव हो जाएगा, या केमिकल डाल के भी लॉन्च कर दें तो वहां पर केमिकल बॉम्ब फट जाएगा। अब यह लॉन्च जो है वो इसराइल पर भी हो सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसराइल के किसी का करीब कर दें, कहीं इसराइल कहेगा देखे जी हम पे हमला किया, अब हम पूरी फौजें लेकर शाम में दाखिल हो रहे हैं दाइश को रोकने के लिए। ऑलरेडी इसराइल ये कह चुका है जॉर्डन से कि जी अगर आपको दाइश से खतरा है तो हम उर्दन पर कब्जा कर लेते हैं, हमें बुला लें, हम आते हैं उर्दन पर कब्जा कर लेंगे, आपको बचा लेंगे। दूसरे लफ्जों में उर्दन पर एक गोली चलाए बगैर इसराइल कब्जा कर लेगा। देखिए ये ड्रामा जिस तरह इन्होंने सऊदियों के साथ अमेरिकन ने किया था, उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन आ रहा है, सद्दाम हुसैन का खतरा है आपको, लिहाजा हम पूरी अमेरिकन फौजें जो सऊदी अरब में फौजें बना रहे थे। दाइश से अमेरिका, बरतानिया या इसराइल को कभी कोई खतरा नहीं हो सकता? देखिए बात यह है कि दाइश यूजफुल इडियट्स हैं,
इस्तेमाल, जैसे अरब कबाइल को इस्तेमाल किया गया था पहली जंग अजीम के बाद, जैसे अर्ज किया कि शरीफ मक्का से वादा किया गया था, शरीफ हुसैन से वादा किया गया था कि शाम की हुकूमत तुमको दी जाएगी, लेकिन जब इस्तेमाल कर लिया तो शाम की हुकूमत उसको नहीं दी, उसको जॉर्डन की हुकूमत दे दी, छोटी सी, कहा चुप करो तुम, साइड में थोड़ा सा जॉर्डन ले लो, शाम फ्रेंच मैंडेट में। इसी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया जाता है, इनको इस्तेमाल करके डिस्पोज कर देते। लेकिन दाइश के हाथों में डर्टी बॉम्ब्स दे के अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? इस वक्त इंग्लैंड और अमेरिका तो उसके डर्टी बॉम्ब से बहुत दूर है, उसका डर्टी बॉम्ब जो है वो 250 किलोमीटर तक जा सकता है जो मिसाइल उसके पास है, या अगर वो खुद कैरी करेंगे तो खुद नुकसान उनको ज्यादा, एक्चुअली क्योंकि यूरेनियम को कैरी करना भी आसान नहीं है, इसराइली एडवाइजर्स उनको चाहिए इस काम के लिए, वो एडवाइस करके देंगे, वो सारी चीजें तैयार करके देंगे, डर्टी बॉम्ब बना के भी देंगे, ये सारा काम इसराइल करेगा। जो 500 मिलियन डॉलर दे रहे हैं वो साथ दो न्यूक्लियर एडवाइजर भी दे सकते हैं, और जो दे रहे हैं होगा, मगर ये चीजें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल अगर होगी भी तो फॉल्स फ्लैग होगा। फॉल्स फ्लैग इसलिए होगा कि ब्लेम पाकिस्तान को करेंगे, ये वही कहेंगे देखे जी हम पे बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है, अब प्रोपेगेंडा ये नहीं बताएंगे कि दाइश ने किया, वो कहेंगे जी पाकिस्तान से गया, फिर हमला पाकिस्तान पर होगा, फिर कहेंगे ईरान ने भेजा, हमला ईरान पे करेंगे, फिर कहेंगे तुर्की से निकला ये। आप कैसे साबित करेंगे जो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है किसी मुल्क के खिलाफ, वो कहां से ओरिजिन, सोर्स क्या था उसका? बात ये है कि यानी ज्यादा में सब जो मशरिक़ वुस्ता में आग लगी है उसकी हीट पाकिस्तान पर जरूर आएगी। देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी हीट में तो है, पाकिस्तान को तो ये घेरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इनका ऑब्जेक्टिव जो मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है उसका मकसद है ग्रेटर इसराइल के लिए शाम, इराक, उर्दुन, लेबनान और सऊदी अरब, इन पांच मुल्कों का बेड़ा गरक करना। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब क्या पूरा हो पाएगा और मुस्लिम दुनिया इसमें किस तरह से रेजिस्ट करेगी, रूस कहां पर खड़ा होगा? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद डिबेट विद जैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैद हामिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक्सप्लेन किया कि मशरिक़ वुस्ता जो तबाही के दहाने पर है उसकी जिम्मेदारी किस तरह से अमेरिका, इसराइल और बरतानिया पर आयद होती है, लेकिन अरब ममालिक कौन कौन से ऐसे हैं जो इस ग्रेटर गेम में इन तीन कुव्वतों का साथ दे रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली तमाम अरब ममालिक, कोई एक नहीं है। इस तरह बात की ना हमने कि औरों के यारी भी देख और अपनों की सादगी भी देख, जैसे बाबा इकबाल ने उस वक्त कही थी बात, यही मामला है। अपनों की जहालत, हिमाकत और गद्दारियों का इसमें पूरा किरदार है। आज जितने भी वहां हाशमी हैं वो आबरू दीन मुस्तफा फरोख्त कर रहे हैं। ईरान कहां खड़ा है? हम पूरी बात करते हैं। देखिए तमाम मुसलमान मुल्क इस गुनाह में शरीक है, ईरान समेत, सऊदी अरब समेत, उर्दुन समेत, और शाम और इराक की तो खिचड़ी बन गई, उन बेचारों का तो बचा ही कुछ नहीं। ये जंग जो शुरू इन्होंने शाम पहले से पहले इराक से शुरू की थी, इसका आगाज हुआ था पीछे 1979 से, जब ईरान इराक जंग इन्होंने शुरू करवाई थी, उस वक्त से ये जंग चल रही है। और आप देखेंगे इराक में जंग उस वक्त से खत्म नहीं हुई है। 1979 में इन्होंने इराक को, ईरान को रोकने के लिए जंग में डाला था, और जब ईरान इराक जंग खत्म हुई 1989 में, उसके फौरन बाद 91-92 में पहली गल्फ वॉर करवाई इन्होंने, इराक में कुवैत पे कब्जा कर लिया, अमेरिकन सऊदी अरब में आके बैठ गए, कहा देखो इराक तुम पे कब्जा करने के लिए आ रहा है, पूरा सऊदी अरब अमेरिकन कॉलोनी बन गया, अमेरिकन फौजी दस्ते आ गए यहां पर और आज तक बैठे हुए हैं। उस वक्त इराक से डरा के, फिर कुवैत को आजाद कराने के लिए इराक को तबाह किया, फिर 10 साल इराक पर सैंक्शन रखी, फिर इराक पर चढ़ दौड़े, फिर इराक को तबाह बर्बाद करके तीन हिस्सों में तकसीम किया, और जब इराक से तसल्ली से फारिग हो गए उसके बाद शाम की तबाही की बारी आई। ये जंग 79 में शुरू हुई थी, और सारे अरब ममालिक ईरान इराक की जंग से लेकर आज तक सब इसमें शरीक हैं। ये गुनाह में कोई एक बचा हुआ नहीं है, कोई मुसलमान हुक्मरान मिडल ईस्ट का इसमें से फारिग नहीं है। और फिर अब भारत कहां पहुंची, उर्दुन का हाल ये है, उर्दुन का हाल ये है कि वो बिल्कुल एक इसराइली कॉलोनी बन चुका है, हत्ता कि उसके इसराइल के साथ दिफाई मौहदे हैं। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि जैसे हमने कहा कि इसराइल खुल के ऑफर कर रहा है उर्दुन को कि अगर आपको दाइश से खतरा है, दाइश अभी क्या करेगा, उर्दुन पर हमला करेगा, और फिर इसराइल कहेगा देखो दाइश आ रहा है, हम बचाने के लिए आते हैं, जैसे अमेरिका ने सऊदी अरब को डराया कि सद्दाम आ रहा है, हम पहुंच के सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया सारा। एग्जैक्टली ये उर्दुन के साथ होने जा रहा है, उर्दुन तो एक गोली चलाए बगैर खा जाएंगे, ये चंद दिनों में देखिएगा आप क्या होने जा रहा है। उसके बाद ये सऊदी अरब के साथ ये ड्रामा करने जा रहे हैं। अब सऊदी अरब की इस वक्त जान निकली हुई है, क्योंकि सऊदी अरब उससे पहले पूरी तरह इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत करते रहे। बशारुल असद के बारे में एक बात याद रखिएगा, उससे बड़ा दहशतगर्द मिडल ईस्ट में कोई नहीं है, वो दहशतगर्द आदमी था। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती रही है अल-ज़ुल्फ़िकार की, वो बशारुल असद का बाप करवाता रहा है, हाफिजुल असद। तारीख को भूल मत जाइएगा, PIA का जहाज जब अगवा हुआ था, जब अल-ज़ुल्फ़िकार ने जहाज अगवा करके काबुल में खड़ा किया था, उसके बाद कई 100 पीपल्स पार्टी के गुंडों को जो यहां से बिठा के भेजा गया था तो शाम भेजा गया था, क्योंकि हाफिजुल असद उस वक्त बेनजीर भुट्टो का सरबरदोस्त था, अल-ज़ुल्फ़िकार का पैटर्न था, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो का रूहानी बाप बन गया था भुट्टो के कत्ल के बाद, भुट्टो के मरने के बाद, और यासिर अरफात और कजाफी और सद्दाम हुसैन मिलकर, और इनका ताल्लुक बास्ट पार्टी से। बास्ट पार्टी एक कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है, मुसलमान नहीं है ये। अब ये शिया कार्ड खेल रहा है,
क्योंकि इस वक्त इसको ईरान की सपोर्ट चाहिए, इस वक्त इसको चूंकि इसके मुकाबले पर सऊदी अरब खड़ा हो गया तो ये शिया कार्ड खेल रहा है। हकीकत यह है कि ये बाथिस्ट है, इस तारीख को ना भूल जाए, बाथिस्ट कम्युनिस्ट होते हैं। ये नहीं होता कोई मुसलमान सुन्नी भी हो और कम्युनिस्ट भी हो, शिया भी हो और कम्युनिस्ट भी हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये कार्ड खेलते हैं इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कहना कि बशारुल असद या उसका बेटा जो है, उससे बाप जो है, ये शिया है, ये इनके यहां अलवाइट्स डोमिनेंस है जरूर, लेकिन इनका अकीदा कम्युनिस्ट था। ये बिलीफ तबाही की वजूहात को तो आपने बयान कर दिया। अब इन मुस्लिम ममालिक के पास और खुसूसन अरब ममालिक के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं जिनको खेला जा सकता है इस तबाही को बचाने के लिए? कार्ड बचा कोई नहीं है, बात यह कि गेम सबके हाथ से निकल गई है, यही हम अर्ज कर रहे हैं बात। अब नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच, वी मिडल ईस्ट हैव टू वेट एंड वॉच अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब हो क्या, देखिए शाम के जहां तक मामला था तो वहां तो रशिया दखल दे रहा था, रशिया ने, ईरान ने बड़ा एग्रेसिवली दखल दिया शाम को, क्योंकि अमेरिकन एक पॉइंट पे आके डिसाइड कर चुके थे कि वो हमला करेंगे शाम के ऊपर, जब उन्होंने एक दफा क्योस क्रिएट कर दिया था बहुत ज्यादा, लेकिन रशियन प्रेशर था, ईरानियन प्रेशर था, जिसकी वजह से अमेरिकन को पीछे हटना पड़ा, फिर पॉलिसी चेंज की उन्होंने, उन्होंने फैसला, उसके बाद आप नोट करेंगे कि दाइश को लॉन्च किया गया है, उससे पहले दाइश का नाम नहीं सुना था आपने, उससे पहले अमेरिकन खुद हमला करने जा रहे थे, जब खुद हमला करने जा रहे थे तो उस वक्त दाइश किधर थी? दाइश का नाम उस वक्त आपने सुना है, दाइश का नाम ही प्रोमिनेंट उस वक्त हुआ है कि जब अमेरिकन ने प्लान बी पे आए हैं, जब रशियंस ने कहा है कि हम आपको सीरिया पे हमला नहीं करने देंगे, ईरान ने पीछे से प्रेशर डाला, ये एक ब्लॉक बन गया जो मजाक बन गया था कि आप जो शाम के अंदर आप एक नेटो सुन्नी हैं और वहां पे आप रशियन शिया हैं, यानी बिल्कुल एक मजाक बन गया था कि मुसलमान दो कैंपों में तकसीम हो गए थे, कि रूस इस बराह रास्त इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन इराक के अंदर आप नोट कर रहे हैं कि पूरी तरह अमेरिकन सपोर्ट, जिस तरीके से दाइश को मिल रही है, ब्रिटिश सपोर्ट मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, जो इसराइली सपोर्ट मिल रही है, इसको रोकने के लिए रशिया भी बराह रास्त इन्वॉल्व अब नहीं हो सकता। रशिया ने गो के जहाज भेजे हैं, रशिया ने कुछ एयरक्राफ्ट भेजे हैं मालकी की हुकूमत को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ईरान और रशिया दोनों देख रहे हैं कि अमेरिकन एग्रेसिवली दहशतगर्द ग्रोहों की वजह से इराक पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो जैद हमें सब, अगर ग्रेटर इसराइल बनता है तो रूस खामोशी से बैठा देखता रहेगा? देखिए खामोशी से तो नहीं बैठेगा, क्योंकि रूस खामोशी से बैठा हुआ नहीं है, वो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक तरफ यूक्रेन को हड़प कर रहा है, यूक्रेन को ना भूल जाए ना, इस सारी जंग में एक तरफ यूक्रेन भी चल रही है, और रोज बरोज जो रशियंस हैं वो यूक्रेन का एक नया इलाका, हर रोज एक नया डिस्ट्रिक्ट कब्जा कर लेते हैं, और अमेरिकन डेस्परेट है, एक पैनिक सिचुएशन है कि यूक्रेन में इन्होंने इनकलाब बर्पा किया और वो उल्टी पड़ गई, सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, सब कुछ उलट हो गया वहां पे उनके हाथ से, यूक्रेन ही हाथ से निकलता जा रहा है, रूस उसको हड़प कर रहा है, और रूस को आपने देखा है कि एग्रेसिवली अब उन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है दोबारा, जिनके साथ उसके ताल्लुकात बहुत अरसे से खत्म थे। पाकिस्तान से भी रूस ने ताल्लुकात ठीक किए, हमें हेलीकॉप्टर दे रहे हैं वो, इंडिया ने शोर मचाया हुआ इस बात के ऊपर, रूस बड़ा एग्रेसिव होकर चाइना से दोबारा इंगेज कर रहा है, ईरान से कर रहा है, इराक में उसने तैयारे भेजे, और पुतिन ने नेतन्याहू को फोन भी किया है इसराइली बमबारी के खिलाफ, और शाम के अंदर भी आपने देखा है कि बराह रास्त अगर चेकमेट किया है अमेरिकन पॉलिसी को तो वो रशियन प्रेशर की वजह से हुआ है। सो बात ये नहीं है कि रशियन और अमेरिकन का रोल क्या है, बात यह है कि बैनुल अक्वामी ताकतों की आपस की इन खुरेज जंगों का मैदान जंग मुसलमान दुनिया है, और मुसलमान दुनिया के अंदर दहशतगर्द ग्रुप और हमारे अहमक हुक्मरान, ये मिलकर दोनों तरफ से मुसलमानों को ज़िबा करवा रहे, और नतीजा ये है कि अब खबरें आना शुरू, यानी रोंगटे खड़े होते हैं वजूद के, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र को उखाड़ दिया इन खवारिज ने, नूह अलैहिस्सलाम की कब्र को नुकसान पहुंचाया, तमाम अंबिया की कब्रें जो शाम और इराक में मौजूद हैं अब इनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कौन सा मुसलमान होगा? यह काम तो अस्तग़फ़िरुल्लाह बदतरीन कुफ्फार ने आज तक नहीं किया कभी, जो ये खवारिज, ये बदबख्त पलीत आदमी अब्दुल्ला, ये बगदादी अपने आप को जो कहता है ये करना, ये इसके दहशतगर्द जिनके अंदर इसराइली फौजी शामिल हैं वो ये काम कर रहे हैं। हम सब, आपने रिलेशनशिप तो डेवलप कर दिया दाइश का इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के साथ, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो अबू बकर बगदादी तो अमेरिका के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। देखिए हम आपको बात बताएं, ये अमेरिकन पुरानी स्ट्रैटेजी है, इस बात को अगेन समझिएगा, अब्दुल्ला महसूद पाकिस्तान में जिसने टीटीपी बनाई थी वो 3 साल गुआंतानामो बे में रहा था, और अमेरिकन ने एक्नॉलेज किया है, ओपन डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं कि हमने गुआंतानामो बे में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट की है, हमने बंदों को लिया है, उनको रिक्रूट किया है, उनसे कहा है तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, रुपया पैसा शोहरत देंगे, कमांडर बनाएंगे, असला देंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना के देंगे, तुम जाओ और हमारी मर्जी के मुताबिक जंग करो। 2004 में जब अब्दुल्ला महसूद को गुआंतानामो बे से छोड़ा गया उसके बाद पाकिस्तान में टीटीपी बनी थी, ये तारीख भूलिएगा नहीं, अमेरिकन एक्नॉलेज कर चुके हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। अबू बकर बगदादी का भी यही मामला है,
ये गुआंटानामो बे से रिलीज किया गया था, हायर करके छोड़ा गया था, इंगेज करके बाकायदा बनाकर इसको दाइश बना के दी गई थी, आईएसआईएस बनाई गई थी और इसको छोड़ा गया था इसी काम के लिए जो ये काम आज कर रहा है। एमन ज़वाहिरी का भी यही मामला है, वो इजिप्शियन इंटेलिजेंस के लिए आज तक काम करता है। वो अनवारुस सादात के कत्ल के बाद एमन ज़वाहिरी को गिरफ्तार किया गया था मिस्र में, कई साल वो जेल में रहा है और उसको छोड़ा गया था इस शर्त के ऊपर कि अब तो मुखबरी करोगे हमारे लिए, और उसके बाद से लेकर आज तक वो यही काम कर रहा है। तस्वीरी खास ज़ैद हमें सब मशरक वुस्ता के इन तमाम पेचीदा मसाइल में कौन सा गिरोह हक पर है, कौन सा गिरोह बातिल है, कौन कहां पर खड़ा है? देखिए बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो कयामत की निशानियां बताई थी, जरा होश से दिल थाम के सुनिएगा कि उसमें दाइश के बारे में भी सैयदी ने फरमा दिया था। बड़ी वाज हदीस नईम बिन हम्माद की किताब में मौजूद है और एक नहीं कई अहादीस तवातर के साथ मुख्तलिफ हवालों से जो उसकी बिल्कुल मुस्तनद होना साबित कर देती हैं, कमोबेश ये मफहूम उस हदीस का कि सैयदी रसूलुल्लाह ने इराक के हवाले से फरमा दिया था कि एक खवारिज का ग्रोह उठेगा जो एक दौलत बनाएगा। लफ्ज दौला तक इस्तेमाल किया, ये दौलत इस्लामी कहते हैं ना अपने आप को, हदीस में लफ्ज दौला भी इस्तेमाल हुआ है। और फरमाया गया है कि ये अपने नाम नहीं रखेंगे, कुनियतें रखेंगे और शहरों से मंसूब करेंगे अपने आप को। अबू बकर बगदादी इसकी कुनियत है, बगदादी इसके शहर का नाम है। अबू मसब जरकावी, अबू मसब उसकी कुनियत है, जरका उसके शहर का नाम है ये। और सईदी ने ये फरमाया, और ये फरमाया कि इनके दिल पत्थरों और लोहे की तरह होंगे, और फिर ये फरमाया कि औरतों की तरह अपने बाल लंबे रखेंगे, उस तरीके से घने घने बाल उस तरीके से बना के ये रखते हैं, उस तरह के ये अपने बाल रखेंगे। और इनके बारे में फरमाया कि जब इस तरह के ग्रोह निकलेंगे तो फरमाया कि तुम अपने घरों से निकलना नहीं, हरकत, इसका मफहूम है कि हरकत ना करना, कोई जिस्म ना हिलाना, क्योंकि ये बहुत बड़े फितनागर होंगे, इनके मुकाबले पे तुम क्या कर सकोगे? उस वक्त मुसलमानों की हालत ये होगी, आम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा जा रहा है। और कहा सईदी ने कि फिर उसके बाद होगा ये कि अल्लाह इन ग्रोहों के दरमियान फूट डलवा देगा, और फिर अल्लाह जो फैसले करेगा वो आपस में, अल्लाह फैसला फिर इनके बारे में करेगा। एक और हदीस शरीफ में इशारा मिलता है कि ये दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे, अभी डमास्कस पर कब्जा नहीं किया, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में दाइश डमास्कस पर कब्जा कर ले। और हदीस शरीफ में यह भी आता है कि फिर रहम उठा लिया जाएगा कुछ अरसे के लिए, यानी इस कदर स्लॉटर होगा, इस कदर कत्लेआम होगा, इस कदर बुचरी होगी कि रहम उठा लिया जाएगा। आज भी दुनिया में ऐसी दरिंदगी हमने नहीं देखी। हिंदा को हमने देखा था कि सईदना हमजा का कलेजा चबाया था उसने गजवा उहद के मौके पे, उसके बाद दाइश के मिलिटेंट्स आपको नजर आते हैं कि लोगों को कत्ल करके उनके कलेजे निकालकर चबा रहे हैं, इनकी वीडियोज अवेलेबल हैं। इस किस्म के दरिंदे हैं ये, इस किस्म के दहशतगर्द हैं। जब ये शाम पे कब्जा करेंगे, बगदाद पे कब्जा करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आगे सुन्नी है कि आगे शिया। जो इराक के सुन्नी हैं उन्होंने दाइश के खिलाफ, सुन्नी उलमा ने फतवे जारी किए हैं कि दाइश खवारिज दहशतगर्द ग्रोह है, इसके खिलाफ। शायद हमें सब जो कुछ हो रहा है ये होना तय था। देखिए सईदी रसूलुल्लाह ने तो कयामत तक के वाकयात बताए हैं ना, जब तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है। जो रेमेडी आपने दी है, रेमेडी आपने फरमाई है, तरीका आपने बताया है, आपने फरमाया है कि देखिए इशारे कर दिए जाते हैं, उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान उससे हिकमत लें और अपनी पॉलिसी बनाए। हिकमत दे दी गई कि इनके आपस में फूट पड़ेगी। तो रेमेडी क्या है? देखिए बात यह है कि मुसलमान दुनिया में इस वक्त जो तबाही मची हुई है, शाम में सईदी रसूलुल्लाह सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस शरीफ है, आपका बयान है, आपका फरमान आलीशान है कि आप फरमाते हैं कि हुकूमतें कुफर के साथ जिंदा रह सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं रह सकती। सद्दाम हुसैन की हुकूमत एक काफिर हुकूमत कही जा सकती है, सख्त हुकूमत थी, बड़ा जुल्म करती, ठीक, मगर किसी हद तक इराक में ऑर्डर तो था उस वक्त, ये तो नहीं था जो आज हो रहा है। आप मुझे बताएं आज जो कुछ हो रहा है ये बेहतर है जो सद्दाम की हुकूमत में था? वो बेहतर है। बशारुल असद एक दरिंदा और जानवर है, कोई शुबे की बात नहीं, मगर उस वक्त शाम बेहतर था या जो अब यहूदी घुसे हुए हैं और खवारिज घुसे हुए हैं और अंबिया की खबरें उखाड़ी जा रही हैं और पूरे 2-2.5 लाख शाम के मुसलमान बेचारे शहीद किए जा सके, ये बेहतर है? बात यह है कि आपको ऑर्डर चाहिए, आपको नज्म चाहिए। जहां तक शाम और इराक की बात है, अब वहां कुछ भी नहीं हो सकता, बदनसीबी अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी खितों को कैसे बचाया जाए? आप अगर फौजें भी दाखिल कर, ईरान भी फौजें दाखिल कर दे, रूस भी फौजें दाखिल कर दे दाइश को पीछे हटाने के लिए, तो जंगें तो फिर भी शहरों में ही होंगी ना, तबाह तो शहर ही होंगे, मुसलमान ही मारे जाएंगे। आईएसआईएस या दाइश सिर्फ वाहिद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इराक में, एक बात और बता दें, वहां कम अज कम 4-5 और ग्रुप्स भी हैं और उनकी आपस की खाना जंगी भी है। सईदी रसूलुल्लाह ने उस वक्त फरमा दिया था कि खाना जंगी इनमें होगी, इसलिए तुम घरों के अंदर बैठ जाओ, बंद करके अपने आप को, दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकोगे। अब ये मामला कुछ हैं जो अल्लाह के, फिर वहीं पे हदीस शरीफ में लिखा हुआ है, फिर अल्लाह फैसले करेगा उनके बारे में, तो ये फैसला अल्लाह जाहिर करेगा आने वाले वक्तों में इनके साथ क्या होता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में तुर्की का किरदार क्या है?
देखिए बात यह है कि तुर्की एक तरफ खौफजदा भी है कि सारे मामला अब तुर्की की तरफ ना जाएं, क्योंकि कुर्दिस्तान जिस तरह अलग होने की बात हो रही है, इसराइल ने कुर्दिस्तान को बिल्कुल अलग कर लिया। चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि कुर्दिस्तान एक आजाद मुल्क के तौर पर सामने आ जाएगा, नया मुल्क बन जाएगा, कुर्दिस्तान आजाद हो जाएगा और बराह रास्त इसराइल की कब्जे में होगा। और इसी तरह से शियाइस्तान और सुन्नीस्तान भी बनेंगे। देखिए सुन्नीस्तान तो कोई भी नहीं है, इस्तान तो कोई भी नहीं है, वहां तो खवारिज दाइश की हुकूमत बन गई। दौला दाइश का शहीदी ने फरमाया था वो दौला हुकूमत बनाएंगे, कत्ल गारत होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, खुरेजी चलती रहेगी। यानी दाइश की हुकूमत को सुन्नीस्तान का नाम दे दिया, इसको सुन्नीस्तान ये लोग कह रहे हैं। और जहां तक जनूब का ताल्लुक है, वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा मुतबर्रिक मकामात हैं मुसलमानों के लिए, हजरत अली का मकाम हो, करबला और नजफ हो, तो ये मुसलमान सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों के लिए मुकद्दस है ना, ये सिर्फ शियों के लिए तो नहीं है। कौन सा मुसलमान होगा जो कहेगा कि इमाम हुसैन का मकाम है, सैयदना अली का मकाम तबाह कर दिया जाए, मुमकिन नहीं है ना। तो ये मकामात ऐसे हैं कि इनके दिफा के लिए तो बराह रास्त ईरानी फौजें दाखिल हो जाएंगी और दाइश अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि ईरानी फौजों का मुकाबला कर सके। ऑलरेडी ईरानी ब्रिगेड पहुंच चुके हैं, ईरानी फौजें आ चुकी हैं, ईरान की कैजुअलिटीज आना शुरू हो गई हैं, ईरान के दस्ते वहां लड़ रहे हैं, शहीद वो जख्मी भी हो रहे हैं और वापस इनकी लाशें वापस पहुंच रही हैं। तो ये एक खुरेज जंग में तब्दील तो हो चुका है मामला, और इस जंग को दुश्मनों की बका इसमें है कि शिया सुन्नी का रंग दिया जाए। लिहाजा पहले तो हमको यह ध्यान करना है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी की जंग ना भड़के, इस पर हम प्रोग्राम कल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो असल बात समझाने की है कि इराक के मामले पर तीन बड़े मुसलमान मुल्क अब बाकी बचे हैं, तुर्की बचा है, ईरान बचा है और पाकिस्तान बचा है। अब कोई इराक बाकी नहीं है, कोई शाम बाकी नहीं है, कोई उर्दन बाकी नहीं है, कोई सऊदी अरब बाकी नहीं है, कोई मिस्र बाकी नहीं है। ये सारे मुल्क वो हैं कि जो अब ग्रेटर इसराइल की जद में आने वाले हैं और उससे पहले यहां अनार्की बर्पा की जाएगी, चाहे दाइश के जरिए की जाए, चाहे सिविल वॉर के जरिए की जाए, चाहे इसराइली फौजें खुद दाखिल हो जाए इनके अंदर। ये उम्मत मुस्लिमा पे वो वक्त आ गया है कि खास हम सब इन तीन ममालिक में से ईरान ने तो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, जिस तरह से ईरान ने अपनी फौजें दाइश के खिलाफ इराक में भेजना शुरू की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका को, ईरान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। हिमायत हासिल नहीं है, ये सारा का सारा ड्रामा, जब हमने दाइश के बारे में पहला प्रोग्राम यहां पर किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि अमेरिका तो कह रहा है कि हम दाइश पर हमले करेंगे, हम अमेरिका कह रहा है कि हम दाइश को तबाह करेंगे, और हमने कहा था इस प्रोग्राम में कि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आज एक डेढ़ महीना हो गया उस बात को कहे हुए और आज आप देख लीजिए कि क्या अमेरिका दाइश को सपोर्ट कर रहा है या दाइश को तबाह कर रहा है, इसराइल दाइश को सपोर्ट कर रहा है या तबाह कर रहा है। तो ईरान अमेरिका की मर्जी के खिलाफ अपनी फौजें इराक में दाखिल कर रहा है, मर्जी के खिलाफ दाखिल कर चुका है। बहुत बड़ी शिया प्रेजेंस जो साउथ में मौजूद है, जरूरी नहीं कि फौजी दस्ते वर्दियां पहना के दाखिल करें, हजारों की तादाद में जब ईरानी यानी जो पिलग्रिम्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो आते हैं मुकद्दस मकामात के लिए, उनके अंदर ईरानी फौज के दस्ते शामिल हैं और आ रहे हैं और लड़ रहे हैं और यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि एक फतवा जारी कर दिया गया है आयतुल्ला सिस्तानी की तरफ से कि पूरी दुनिया में कि जितने भी जो भी मुसलमान हैं वो इन मकामात के दिफा के लिए पहुंचना शुरू हो जाए, ताकि पाकिस्तान से भी लोग गए हैं और इराक में लड़ते हुए मारे गए। लेट मी हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल इस वक्त गजा पर जो बमबारी कर रहा है, जो बर्बरियत का खेल खेल रहा है, क्या ये इंसिडेंट मशरक वस्ता के ममालिक को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगा या फिर क्राइसिस माउंट करेगा। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद डिबेट विद जैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैद हामिद साहब, इसराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, बजाहिर मुस्लिम उम्मा खामोश है, लेकिन क्या यही एक पॉइंट हो सकता है जिस पर मशरक वस्ता के ममालिक एक बार फिर से इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। देखिए ये बात हम आपको बताएं कि जैसे हमने कहा कि जब मशरक वस्ता में उन्होंने इसराइल ने यह देखा कि हम इराक और शाम में जिंदा लोगों के कलेजे चबा रहे हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश बैठी हुई है, तो यह वक्त तो इसराइल के लिए आइडियल था कि उसने बहाना बनाकर पूरे फलस्तीन पर, इस वक्त गजा के ऊपर इस तरह बमबारी शुरू कर दी है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम। आप सोचिए कि घनी गुंजान आबादी के ऊपर F-16 बॉम्बिंग करते हुए जा रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश है। BBC यह कह रही है कि फलस्तीनी इसराइल पर हमला कर रहे हैं और इसराइल अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। यहां पर हम बड़ी सख्त और साफ बात करना चाहेंगे, खासतौर पर तुर्की के मुसलमानों से, तुर्की के हुक्मरानों से, ईरान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान के हुक्मरानों से। देखो यह मुमकिन नहीं है कि इसराइल इन तीन मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़ा हो सके। इसराइल तो एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ भी नहीं खड़ा हो सकता, ना तुर्की के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना ईरान के खिलाफ, ना पाकिस्तान के खिलाफ। और यह वक्त है कि हम इसराइल को धमकाएं। जब मावी मरमरा के ऊपर वो किश्ती जो तुर्की ने भेजी थी सामान लेकर फलस्तीनियों के लिए, जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, जिसके बाद इसराइल के और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, और हालत ये 2-3 साल पहले की बात है, जब हालत ये हो गई थी कि इसराइली एयरक्राफ्ट और तुर्क एयरक्राफ्ट आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के,
उस वक्त तुर्क फाइटर पायलट्स जो फ्लाई कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी पायलट शामिल थे। यह बात दुनिया को नहीं मालूम है। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त फ्लाई कर रही थी तुर्कों के साथ इसराइल के खिलाफ, और अगर जंग होती तो हम शामिल होते। यह अब करने की जरूरत है। इस वक्त थोड़ी सी गैरत खुदा के वास्ते दिखाओ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और टर्क एयरफोर्स मिलकर बॉम्बिंग करके आए इसराइल के ऊपर, एक देखें फिर क्या होता है। उसको धमकी दे, बेगैरत और बुजदिल है वो यहूदी, वो सिर्फ बच्चों और औरतों पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदगी एक थ्रेट काफी है हमारा कि हम तल अवीव पे दो बम मारेंगे, जाके तुम्हारा दिमाग टेक कर देंगे अगर तुमने ये बमबारी फलस्तीनियों पे ना रोकी तो। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी जंग में मुब्तला है, ऐसी बात नहीं जंग में क्यों जाएगा। बात ये पराई नहीं है जंग, ये हमारी जंग है। ये कोई पराई जंग, उम्मत रसूल की जंग पराई नहीं होती। हम एक वजूद की मानें तो याद देखें पाकिस्तान एयरफोर्स का हम आपको कैरेक्टर बताएं क्या है। सिर्फ हमें अगर क्यादत हमें इस तरह की मिल जाए, हमारे हुक्मरान इस वक्त इतनी करेज और जुरत और गैरत अगर दिखा सकते, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम शर्म से डूब मरने का मकाम है इन हुक्मरानों के लिए। एक मर्तबा इसराइल का थ्रेट आया कि इसराइल पाकिस्तान के कहूटा प्लांट पर हमला करने के लिए आ रहा है। पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और उस वक्त कंटेंजेंसी प्लानिंग की गई, बनाया गया कि अगर इसराइल ने कहूटा पर हमला किया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हम भी जाके डिमोना के एटमी प्लांट पर हमला करेंगे। इसराइल के डेजर्ट में उनका एक एटमी प्लांट है, उनका कहूटा जो है उनका डिमोना का प्लांट कहलाता है, मगर इसराइल हमसे बहुत दूर है। और पाकिस्तान से अगर F-16 उड़ते हैं हमारे तो वो सिर्फ वन वे फ्लाइट कर सकते थे, वो जाके डिमोना पे बॉम्बिंग कर सकते हैं, उसके बाद क्रैश कर जाएंगे क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता उनका, और हमारा पायलट डेफिनेटली या शहीद होता या इसराइली उसको कैदी बना लेते या समुद्र में डूब जाता वो। तो उस वक्त वॉलंटियर्स मांगे गए पाकिस्तान एयरफोर्स से, कहा गया कि जी वन वे मिशन है, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। जेन्युइन थ्रेट था, ये मजाक एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं थी। हमारी एयरफोर्स रेड अलर्ट के ऊपर थी, खतरा था, हमें 84 की बात है, हमें खतरा था इस बात के ऊपर कि इसराइली हमला करने के लिए आ रहे हैं। और यकीन करेंगे कि हमारे पास उस वक्त सिर्फ 40 F-16 थे और 40 के 40 पायलट्स ने हाथ उठा दिया कि हम वन वे मिशन पर जाएंगे। ये हमारे फाइटर पायलट का जज्बा है और इन फाइटर पायलट से इसराइलियों की जान निकलती है। दैट इज वाई दुनिया की वाहिद एयरफोर्स जिसने इसराइलियों को मार के गिराया हुआ है। फलस्तीन में जिस तरह ये कत्लेआम कर रहे हैं और मुसलमान दुनिया खामोश है, हमें सबसे ज्यादा शिकायत पाकिस्तान एयरफोर्स से और टर्किश एयरफोर्स से। हम टर्की में बेस बना सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, मौजूद हैं पायलट्स हमारे अभी भी वहां पर, टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं। अगर पाकिस्तान में हुकूमत है उसमें जरा भी गैरत है तो तुर्क वजीर आजम से बात करें। अगर मावी मरवरा के ऊपर उस किश्ती के ऊपर इसराइली हमले की वजह से तुर्की और इसराइल आमने सामने आ सकते हैं, इस कत्लेआम को रोकने के लिए भी हम उस यहूदी को थ्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की फजाइया इंडिपेंडेंटली तो ये मिशन कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी शिकायत तो फिर OIC से भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, OIC तो है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रखती। हम कर सकते हैं ना, मावी मरवरा के ऊपर जब थ्रेट हुआ था तो हमने OIC से तो नहीं पूछा था। तुर्क एयरफोर्स इसराइल के खिलाफ उड़ी थी और हम शामिल थे उनके साथ। जब पाकिस्तान अंडर थ्रेट आता है तो कौन से मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करने कोई ना आए हमें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब फलस्तीन के बच्चों की हिफाजत हम करें। हर मुसलमान मुल्क के पास अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। फलस्तीन के पास क्या है? एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपके बच्चे औरतें वहां पे होती हैं, उनके साथ ये हो रहा था तो आप क्या करते? उस वक्त ये आर्गुमेंट देते आप, कम से कम पाकिस्तान की फौज की तरफ से, कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट तो जाना चाहिए उन बगैरत इसराइल। देखिए, उन्होंने आपको माफ तो करना नहीं है, आप उनको थ्रेट दे या ना दें वो तो आपके दुश्मन हैं ही। उन्होंने आपको जब मौका मिलेगा हमला करना ही है, मारना ही है, वो इंडिया के साथ मिलकर भी आएंगे आपके ऊपर। तो जो खुला दुश्मन है, जो इतना दूर बैठा हुआ है, जो आके हमला भी नहीं कर सकता डायरेक्ट आपके ऊपर जब तक कि वो इंडिया को इस्तेमाल ना करे या खवारिज दहशतगर्द ना भेजे, उसको थ्रेट करने में क्यों डरते हैं आप? आप तुर्की से बात करें, खुल के बात करें। आपको सऊदी अरब बेसिस नहीं देगा, जॉर्डन बेसिस नहीं देगा, आपको कोई और मुसलमान। उस वक्त जब पाकिस्तान ने पहले इसराइल को मारा था तो हम मिस्र में बेस करते थे, हम शाम में बेस करते थे, हम उर्दुन में बेस करते थे। हम वजीर आजम देंगे या आर्मी चीफ जो मर्जी दे, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का सिपा सलार दे। हम जनरल राहिल एक बहुत ही गैरतमंद और दलेर अफसर है और हम उनको तवज्जो दिलाएंगे यहां पर कि एक मुसलमान सिपा सलार का किरदार अदा करें, थ्रेट करें इसराइल को कि पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी। हमने माजी में भी इसराइल को ठोका है जाके, हम अभी भी ठोक सकते हैं। हमें कायदे आजम ने जब 500 सिपाही इंडियन आर्मी के भेजे थे, मुसलमान दस्ते इंडोनेशिया में लड़ने के लिए जंग आजादी में, आज इंडोनेशिया में द 500 ब्रेव 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स का तारीफ पढ़ाई जाती है उनके स्कूलों में। उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था और कायदे आजम ने इंडियन आर्मी के 500 जवान भेजे थे इंडोनेशिया की जंग आजादी के लिए। कायदे आजम ने फलस्तीन की आजादी के लिए उस वक्त इंग्लैंड को थ्रेट किया था कि हम पूरी मुसलमान दुनिया में आग लगा देंगे अगर इसराइल बनाया गया तो। हम कायदे आजम के वारिस हैं, इसराइल फलस्तीन का दिफा हम पर वाजिब है। पाकिस्तान की थ्रेट का रिस्पॉन्स भी तो होगा फिर, तो रिस्पॉन्स का जवाब दें। चूड़ियां पहनी क्या हमने? हमारे क्या मिसाइल वहां नहीं पहुंच सकते? वो क्या थ्रेट, क्या रिस्पॉन्स देंगे हम पे? वो
वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, जो देना जो हम भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? बात यही तो हम बात कर रहे हैं कि दुश्मन को इसराइल को थ्रेट करने की जरूरत है। इंडिया याद रखिएगा पाकिस्तान पे चढ़ा जा रहा था आसमान, इसने सर ये कमीनों दुश्मनों की खास मेंटेलिटी खसलत होती है। जब जनरल ज़िया ने जाकर थ्रेट किया था, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, उसके बाद सारा इंडिया की हवा निकल गई थी। यही थ्रेट इसराइल को देने की जरूरत है, फलस्तीन के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम नहीं करेंगे अल्लाह उसके रसूल के आगे जवाबदेह होंगे। ज़ैद हामिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अगर एक नया फ्रंट हम ओपन करते हैं तो मसाइल मजीद पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए? कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे हमारे। इसराइल के लिए कौन से मसाइल बढ़ गए दुनिया में, जब वो पूरी मशरक़ वुस्ता को तबाह बर्बाद कर चुका है? आप अलायंसेज बनाएं, इत्तेहादी साथ मिलाएं, रूस को साथ मिलाएं, चीन को साथ मिलाएं, मुश्किलात मसाइल सिर्फ बगैरतों के लिए बढ़ते हैं, शेरों और दलेरों के लिए कोई मसाइल नहीं होते, वो मसाइल हल करते हैं। हम अरब दुनिया की जंग लड़ने जा रहे हैं और इत्तेहादी हम बनाएं रूस और चीन को, अरब ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं आते पहले? बात ये इत्तेहादी जहां से मिले मर्जी बनाए, अरब मुल्क है कौन सा, मुझे नाम बताएं ना, बचा कौन है? यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि अरब दुनिया को बचाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा। माजी में भी अरब दुनिया को बचाने के लिए हमने यह किया था, अभी भी पाक फौज को यह करना पड़ेगा, वरना अरब दुनिया जिस तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह ना करे फिर बारी सऊदी अरब की आएगी। देर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, साउथ पाकिस्तान आर्मी कॉल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अपना दिफा नहीं कर सकते, वो बुलाएंगे हमें। जब आप सऊदी अरब का दिफा करने जा सकते हैं तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए इसराइल को थ्रेट क्यों नहीं कर सकते? अमरीकी इमदाद और अमरीकी ही F-16 के बलबोते पर हम इसराइल को थ्रेट करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? यही तो कमाल है, हमने रूस को रूसी क्लैशनकोफ से ही शिकस्त दी थी, इसी को तो मास्टरपीस कहते हैं। हमने रूस को शिकस्त किससे दी है? रूसी क्लैशनकोफ से ही दी ना। क्लैशनकोफ किसने ईजाद की थी? रूस ने। हमने मारा किसको उसको? क्लैशनकोफ से मारा ना। बात यह कि अल्लाह ताला ने, एक बात याद रखिएगा, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है। किसी बड़े ने कहा था कि तुम अगर मौत के खौफ से रुसवाई कबूल करोगे तो तुम्हारे नसीब में मौत भी होगी और रुसवाई भी। याद रखिएगा यह बात, वो कौमें जो जिंदा रहना जानती है ना, वो अपनी आबरू के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, वरना उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होती है और मौत भी। मशरक़ वुस्ता में आज जो कुछ हो रहा है, उस मुसलमानों का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को ईरान और तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना है, अभी आज इसी वक्त, वरना मुसलमान दुनिया बचेगी नहीं। वहां ज़ैद हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मशरक़ वुस्ता इस वक्त तबाही के होलनाक मनाजिर पेश कर रहा है और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त होश के नाखून लेना होंगे, बसूरत दीगर उनके अपने ममालिक भी वही मंजर पेश कर रहे होंगे जो इस वक्त इराक पेश कर रहा है। मोहम्मद अजीम को इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।